सवाल नंबर अठारह निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं देखिए यहाँ पे दो संख्या आपको दिया हुआ है एक बारह है और तेरह तो बारह और तेरह ये दो प्राकृतिक संख्या है और लगातार प्राकृत संख्या है देखिए बारह के बाद तेरह होता है यानी कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या आपको दिया हुआ है और इसके वर्गों के बीच यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग ये दोनों के बीच में कितनी संख्याएँ हैं वो आपको बताना है ठीक है तो देखिए जब हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के बीच की कुल संख्या निकालने का सूत्र यानी कि दो लगातार प्राकृत संख्या दिया हुआ है तो दोनों प्राकृत संख्या के वर्गों के बीच में कुल संख्या कितनी होगी उसके लिए देखिए एक हम फार्मूला बताए थे कि बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इसका मान निकाल करके इसमें एक घटा देना है ठीक है बी क्या है तो बड़ी प्राकृतिक संख्या है और ए छोटी प्राकृतिक संख्या है जो दो प्राकृतिक संख्या आपको दिया हुआ रहेगा तो उसमें जो बड़ी प्राकृतिक संख्या रहेगा उसको बी मान लेंगे ठीक है और जो छोटी प्राकृतिक संख्या रहेगा उसको ए मान लेंगे और फिर इस सूत्र के माध्यम से कुल संख्या हम निकाल लेते हैं तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं इस टॉपिक का जो वीडियो हम बनाए नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लीजिए ठीक है अगर उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं इसको आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे ठीक है यहां देखिए सवाल नंबर एक यहां पे दो प्राकृत संख्या है एक बारह है और एक तेरह है ठीक है तो हम बड़ी प्राकृतिक संख्या को बी मान लेंगे और जो छोटी प्राकृतिक संख्या है इसको ए मान लेंगे ठीक है देखिए, माना ए बराबर बारह और बी बराबर तेरह तो देखिए पे लिखेंगे कि बारह और तेरह के वर्गों के बीच कुल संख्याएं यानी कि ये जो दो कित संख्या दिया हुआ है इसके वर्गों के बीच कुल संख्याएं कितनी है उसको हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए एक सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन ठीक है देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए और माइनस वन है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो यहाँ पे देखिए उल्टा दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है पहले हम बी लिखेंगे प्लस ए लिखेंगे फिर बी माइनस ए लिखेंगे यहाँ पे ए पहले था तो ए प्लस बी लिखे यहाँ पे बी पहले है तो बी प्लस ए लिखेंगे ठीक है कॉन्सेप्ट दोनों एक ही है दोनों एक ही टाइप का ये लिखा हुआ है तो देखिए बी बी माने हैं तेरह को ए माने हैं बारह को तो बी प्लस ए यानी कि तेरह प्लस बारह देखिए b माइनस ए यानी कि तेरह माइनस बारह माइनस वन तेरह और बारह इसको जोड़ेंगे तो पच्चीस होगा तेरह में बारह घटा देंगे तो एक होगा माइनस वन पच्चीस को एक के साथ गुना करेंगे तो पच्चीस माइनस वन पच्चीस में एक घटा दीजिए चौबीस तो ये आपका आंसर हो गया यानी कि बारह और तेरह के वर्गों के बीच में कुल संख्याएं कितनी है तो चौबीस है ठीक है चौबीस संख्याएं हैं तो देखिए अठारह का जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व कर दिए मान लीजिए कि, कि किसी लड़का को ये सूत्र नहीं पता है ठीक है तो वो लड़का इसको कैसे सॉल्व करेगा तो देखिए अगर सूत्र नहीं पता है फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको एक और भी दी है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं देखिए बारह का वर्ग कितना होता है एक सौ चौवालीस और तेरह का वर्ग कितना होता है एक सौ उनहत्तर तो कहता है कि इसके बीच में यानी कि ये दो जो प्रकृत संख्या दिया हुआ है इसके वर्गों के बीच में कुल कितनी संख्या है से बताइए तो लड़का जिसको फार्मूला नहीं पता है वो पता क्या करेगा इसका वर्ग निकालेगा और तेरह का वर्ग निकालेगा और इसके बीच में जितनी संख्याएं हैं वो सभी को वो लिखेगा तो देखिए एक सौ चौवालीस और एक सौ उनहत्तर के बीच में कितनी संख्याएं हैं उसको हम लिख रहे हैं जैसे एक सौ पैंतालीस हो गया एक सौ चवालीस के बाद एक सौ पैंतालीस होता है पैंतालीस के बाद छियालीस होता है छियालीस के बाद सैंतालीस होता है यानी कि देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं ठीक है एक सौ चौवालीस के बाद होता है एक सौ पैंतालीस फिर एक सौ छियालीस फिर एक सौ सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ छियासठ सरसठ अड़सठ देखिए एक सौ उनहत्तर है तो एक सौ उनहत्तर के बीच में है एक सौ अड़सठ यानी कि एक सौ पैंतालीस से लेकर के एक सौ अड़सठ तक लड़का लिखेगा ठीक है और फिर इस सब संख्या को गिनेगा कि कितनी संख्या है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो ये दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं चौबीस संख्याएं हैं तो जिसको फार्मूला नहीं पता है तो वो इस विधि से बनाएगा लेकिन देखिए इस विधि से जब आप बनाइएगा तो यहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है हो सकता है कि आप एक संख्या गलती से ना लिखे छूट जाए और फिर आप गिनिएगा तो कम आएगा तो ऐसे अगर आप सॉल्व करिएगा तो नाइन्टी परसेंट उम्मीद है कि आप सही बनाइएगा दस परसेंट गलत होने की संभावना है ठीक है लेकिन अगर आप फार्मूला से बनाते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन इससे तो इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम है ठीक है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए अगर फार्मूला आप भूल जाते हैं तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से आप बना सकते हैं ठीक है अब देखिए अठारह नंबर सवाल का दूसरा सवाल इसको सॉल्व करते हैं इसमें आपको दो लगातार प्राकृत संख्या दिया हुआ है पच्चीस और पच्चीस के बाद छब्बीस होता है और कहता है कि इसके वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं बताइए तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना ए बराबर पच्चीस जो छोटी प्राकृतिक संख्या है उसको ए मान लीजिए और जो बड़ी प्राकृत संख्या है उसको बी मान लीजिए ठीक है तो देखिए संख्या कौन सी संख्या तो ये दोनों के वर्गों के बीच की कुल संख्या ठीक है निकाल रहे हैं यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए इसलिए हम टोट पूरा नहीं लिख रहे हैं आप पूरा लिख सकते हैं कि पच्चीस और छब्बीस के वर्गों के बीच की कुल संख्या ठीक है बराबर क्या होता है फॉर्मूला फार्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से ये घटा दीजिए ठीक है देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए और माइनस वन है बी का मान है छब्बीस और ए का मान है पच्चीस फिर देखिए बी का मान है छब्बीस और ए का मान है पच्चीस माइनस वन तो छब्बीस और पच्चीस ये दोनों को जोड़ेंगे तो एकामन होगा और छब्बीस में पच्चीस घटाएंगे तो एक होगा और माइनस वन है इक्यावन को एक के साथ गुना करेंगे इक्यावन फिर माइनस वन इक्यावन में एक माइनस कर देंगे तो पचास यानी कि पच्चीस और छब्बीस के वर्गों के बीच की कुल संख्या है पचास ठीक है ये आपका आंसर हो गया अठारह का तीसरा सवाल इसमें देखिए निन्यानवे और सौ के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं ये निकालना है ठीक है तो हम मान लेंगे कि माना ए बराबर निन्यानवे और बी बराबर सौ जो बड़ी प्राकृतिक संख्या है उसको बी मानते हैं और जो छोटी प्राकृतिक संख्या रहेगी उसको ए मानते हैं ठीक है तो ए और बी हम मान लिए देखिए संख्या निकालते हैं कौन सी संख्या तो निन्यानवे और सौ के वर्गों के बीच की कुल संख्या ठीक है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा तो इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन देखिए इतना बराबर हम लिख सकते हैं बी प्लस ए और बी माइनस ए माइनस वन बी के जगह पर लिखेंगे सौ प्लस ए ए का मान है निन्यानवे फिर देखिए सौ माइनस निन्यानवे ठीक है और माइनस वन है सौ और निन्यानवे को जोड़ देंगे तो एक सौ निन्यानवे होगा और सौ में निन्यानवे घटाएंगे तो एक होगा और माइनस वन है एक सौ निन्यानवे को एक के साथ गुना करेंगे तो एक सौ निन्यानवे माइनस वन एक सौ निन्यानवे में, में एक घटा देंगे तो एक सौ अंठानवे तो ये आपका उत्तर हो गया यानी कि निन्यानवे और सौ के वर्गों के बीच कुल संख्या एक सौ अंठानवे है